बेरहमी से महिला गार्ड को पीटते इन दबंगों की दबंगई देखिए। इस वायरल वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं अस्पताल में घुसे इन दबंगों ने किस तरह महिला गार्ड के साथ अभद्रता की, मारपीट की। महिला गार्ड ही नहीं, पुरुष गार्ड के साथ भी दबंगों ने जमकर दबंगई की। दरअसल नोएडा के सेक्टर 128 के जेपी अस्पताल में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां बिना अस्पताल कार्ड के मरीज से मिलने की कोशिश कर रहे दबंगों ने महिला और पुरुष गार्ड पर बेरहमी से हमला किया। ये घटना अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। जानकारी के मुताबिक दबंग बिना अस्पताल कार्ड के एक मरीज से मिलने लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे, जिस पर तैनात गार्डों ने उन्हें रोक दिया। इस बात से नाराज दबंगों ने गार्डों के साथ मारपीट शुरू कर दी। जब एक महिला गार्ड ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो आरोपियों ने उसे भी निशाना बनाते हुए उसकी पिटाई कर दी। आरोपियों ने दोनों गार्डों पर लात घूसों से हमला किया, जिससे दोनों गार्ड घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामले की जाँच शुरू की। सेक्टर 126 पुलिस स्टेशन में गार्डों की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली गई है। ADCP नोएडा मनीष कुमार मिश्र ने बताया कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरे आरोपियों की तलाश जारी है। किस चीज को लेकर कहा सुनी हुई थी जो नौबत मारपीट तक आ गई और क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है? ये थाना क्षेत्र सेक्टर 126 की घटना है, जहाँ पर की एक वीडियो में एक अस्पताल के अंदर एक गार्ड को कुछ लोग मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको संज्ञान में लेते हुए थाना सेक्टर 126 पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। मारपीट करने वाले एक व्यक्ति के द्वारा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, विधिक कार्रवाई की जा रही है और जो व्यक्ति हैं उनकी पहचान की जा रही है। शीघ्र ही जो ग्रुप में सम्मिलित हैं उनके विरुद्ध आवश्यक कठोर धाराओं में वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, वजह पता चली किन कारणों से ये मारपीट हुई? वो अस्पताल में ऊपर प्रवेश करने को लेकर के गार्ड के द्वारा रोका गया था और जिसको लेकर के उनके द्वारा आपत्ति प्रकट की गई, इसी बात बढ़ जाने पर ये घटना खारिज की गई। इस घटना के बाद नोएडा के अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पीड़ित गार्डों की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन अस्पताल में इस तरह की घटनाएं सुरक्षा की कमी को साफ दिखाती हैं। अब देखना होगा कि अस्पताल प्रशासन और पुलिस मिलकर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाते हैं। नोएडा में फिर देखने को मिला दबंगों द्वारा गार्डों के साथ मारपीट करने का मामला। हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 128 जेपी हॉस्पिटल में, जहां पर कुछ दबंगों ने महिला गार्ड और पुलिस गार्ड के साथ मारपीट करी। पूरा मामला बताएं तो गार्ड ने जो है जब दबंगों से विजिटर कार्ड मांगा तो वो इस चीज से नाराज हो गए और नाराज होने के बाद पुरुष गार्ड और महिला गार्ड दोनों के साथ मारपीट करी। मारपीट का वीडियो जब वायरल हुआ, मीडिया के संज्ञान में खबर आई, उसके बाद नोएडा पुलिस ने इसे संज्ञान में लिया। संज्ञान में लेने के बाद अंदर फिलहाल नोएडा पुलिस जो है, जो गार्ड है, गार्ड के सिक्योरिटी गार्ड के जो इंचार्ज हैं उनसे जो है पूछताछ कर रही है। फिलहाल नोएडा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरे आरोपी के लिए पुलिस टीम बना दी गई है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।